हाँ तो आ जाओ भाई। तो यार सबसे पहले तो पेटीएम को थैंक यू कि उन्होंने मेरा जो फास्टैग था वो 4 दिन बोल के 1 महीने में भेजा, और मेरा फास्टैग फाइनली आ गया है। और इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है, सिंपली ये एक लिफाफा मिलता है जो क्वालिटी वाइज अच्छा है। और वो क्यों अच्छा है क्वालिटी वाइज़, ताकि ये फास्टैग को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके अंदर भी और कुछ नहीं है, बस ये लिफाफा है और उसके अंदर केवल ये फास्टैग आपको मिलेगा। अब इसको यूज़ कैसे करना होता है, यहाँ पे से आप इसको ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये जो फास्टैग है ये अलग हो जाएगा, ये देखिए। और इस तरह से आपको अपनी जो कार की विंडशील्ड है उसको अंदर से अंदर की तरफ से थोड़ा साफ़ कर लेना कपड़े से, उसको बाद इसको एज़ इट इज़ ऐसे चिपका देना है उस पर अंदर की तरफ से। बस सिंपली इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मेक श्योर कि थोड़ा सा विंडशील्ड साफ़ हो ताकि ये आसानी से बाद में निकले ना। उसके बाद जो इसके पीछे से यहाँ पे फास्टैग आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ये सिल्वर ये सर्किट होता है इसका, तो इससे जो है स्कैन होता है और आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा मोबाइल में दिखा लेता हूँ कि मोबाइल में जो मैंने ये ख़रीदा था वहाँ से, मतलब मैंने पेटीएम मॉल से ख़रीदा, पेटीएम से ख़रीदा तो वहीं पे मैं इसका जो अकाउंट होता है वो मैनेज कर सकता हूँ। सिंपली मेरे को फास्टैग वाले ऑप्शन पर जाना है, वहाँ से मैं इसको रिचार्ज भी कर सकता हूँ, इसको मैनेज भी कर सकता हूँ, इसकी जो हिस्ट्री है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो भी चेक कर सकता हूँ, और अपना बैलेंस भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे इसमें बैलेंस कितना बचा हुआ है। अभी मेरे को जो जब मैंने ख़रीदा था तो मुझे 400 रुपये का पड़ा, 400 में से तो 150 रुपये का इसमें रिचार्ज करना कंपलसरी था फर्स्ट टाइम पे, तो 250 रुपये, और 250 रुपये का फास्टैग था और डिलीवरी इसमें फ्री थी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी भी जिन लोगों के मन में ये सवाल फास्टैग को लेके कुछ सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल थोड़ा सा दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो आज 15 दिसंबर से फास्टैग कंपलसरी हो गया है, जो कि 1 दिसंबर से होना था लेकिन 1 दिसंबर से नहीं हो पाया था। उसके बारे में मैंने आपको 1 दिसंबर को ही वीडियो दे दी थी, आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो आजकल सबसे ज़्यादा लोगों के मन में सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जब तक फास्टैग नहीं था तब तक अगर आपको विद इन 24 आवर किसी जो टोल प्लाजा है वहाँ से गुजरना है वापस आना है तो आपको फास्टैग से तो डायरेक्ट डबल पैसा कट जाएगा। यानी कि जब आप जाएंगे तो जितना भी वहाँ पे टोल मान लीजिए 100 रुपये है, तो आते टाइम जब आप 24 घंटे के अंदर ही वापस आ जाएंगे तो 100 रुपये फिर से दोबारा कट जाएंगे, लेकिन जब तक फास्टैग नहीं था तब तक ऐसा नहीं होता था। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ ये बात कि जब आप किसी टोल प्लाजा से गुजरेंगे फास्टैग लगी हुई कार से, तो वहाँ पे आपके मान लीजिए 100 रुपये कटते हैं, तो अगर आप विद इन 24 आवर वापस आ जाते हैं तो वहाँ पे आपके वो स्कैन कर लेगा कि ये वाली कार 24 घंटे के भीतर यहाँ से गुजरी थी और 24 घंटे के भीतर ही वापस आ गई है। तो आपके अकाउंट से फास्टैग अकाउंट से केवल 40% अमाउंट कटेगा, लगभग 40%, यानी कि लगभग 40 रुपये कटेंगे वापस आते टाइम। तो टोटल आने जाने का आपको केवल 140 रुपये ही वहाँ पे करना होगा। एक और डाउट जो लोगों के मन में उठ रहा था कि जो मतलब यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी उसके बारे में बताया था कि अगर हम फास्टैग कभी कभार ही यूज़ करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा फास्टैग से। देखिए जो फास्टैग की वैलिडिटी है वो 5 साल तक की है, यानी कि अभी अगर मेरे को 250 रुपये इसका चार्ज पड़ा है तो 5 साल तक के लिए मेरे पास ये वैलिड है। जिस तरह से हम कोई सिम लेते हैं और उसकी वैलिडिटी होती है, उसकी वैलिडिटी कुछ टाइम तक रहती है, तो उसी तरह से ये फास्टैग की वैलिडिटी जो है वो 5 साल तक के लिए रहेगी। यानी कि 5 साल तक अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े, आप 5 साल तक भी अगर कहीं से ना गुजरें तब भी आपका जो फास्टैग है वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। यानी कि जो आप 250 रुपये यहाँ पे मैंने पेटीएम को पे किए हैं वो 5 साल की वैलिडिटी के लिए पे किए हैं। उसके बाद 5 साल बाद आप इसकी वैलिडिटी फिर से बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद आपको दूसरा फास्टैग लेना पड़ेगा, आप इसी फास्टैग की वैलिडिटी को सिंपली रिचार्ज करके बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इसमें अभी कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक ही, मेरे ख्याल से मार्च तक आपको कुछ परसेंट कैशबैक भी मिलेगा, जो मैक्सिमम बैंक और जो प्रोवाइडर हैं फास्टैग के वो आपको लगभग 2.5% तक का कैशबैक दे रहे हैं। यानी कि 100 रुपये का अगर आप टोल टैक्स देते कहीं पर तो आपको 2.5 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। और जो लोग बहुत बार टोल प्लाजा से गुजरते हैं उनके लिए बहुत ही फायदे की बात है, क्योंकि उनके 250 रुपये वैसे भी बहुत ही जल्द कवर हो जाएंगे जो उन्होंने फास्टैग के लिए पे किए हैं, अगर वो 2.5 रुपये करके, मतलब 2.5% करके, अगर वो उनको कैशबैक भी मिलता रहे। इसके अलावा यहाँ पे फास्टैग में एक बारकोड होता है, आप इस बारकोड को स्कैन करके
इसकी ऑनलाइन जानकारी भी ले सकते हैं, इसके स्टेटस को जान सकते हैं कि इसका क्या स्टेटस प्रेजेंट टाइम पे है। तो बस दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट था इस वीडियो में फास्टैग के बारे में। मैंने आपको क्योंकि वादा किया था कि जब मेरा फास्टैग आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरह का दिखता है और किस तरह से उसको फिक्स करते हैं अपनी कार में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।